गाइस मैं हूं मयंक और आज मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं इरफान जुनेजो के एक नए ब्लॉग पे जिसका टाइटल है कूलेस्ट वे टू गो टू हैदराबाद। तो शायद जनाब बाइक से जा रहे हैं हैदराबाद, तो रास्ते में वादियां भी दिखेंगी, वहां के रोड भी दिखेंगे। चलो देखते हैं यार, है आवेगा। तो भैया क्या हाल इरफान भाई? सीन्स कुछ ऐसे हैं कि फूड पांडा इज लॉन्चिंग इन पेशावर एंड हैदराबाद और वो चाहते हैं कि वहाँ जाके पहली डिलीवरी मैं करूँ। तो कर दो भाई। सेट है, वैसे ही पेशावर में ब्लॉग्स में बहुत कम आया है और हैदराबाद तो आया ही नहीं है। सेट है यार। एक बात मैं बताऊँ, पाकिस्तान में एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जहाँ देखो ना पाकिस्तानी फ्लैग देखने को मिल जाता है। तो यार इंडिया में इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता यार, पाकिस्तान में हर जगह कहीं भी यार कहीं वॉल पे पाकिस्तानी फ्लैग को गढ़ा गया है, तो हर ऑफिस में देखने को मिल जाता है। तो यार ये बहुत सही चीज़ लगता है मुझे। और इस मीटिंग में इम्प्लाइड बात ये थी कि जहाँ भी मैं खाना देने जाऊँगा वो मुझे पहले से पहचानते होंगे, उनके लिए सरप्राइज़ होगा, वो मुझे देख के खुश हो जाएंगे और आपका भाई खुशियाँ बांटे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर उन्होंने खाना लिया, पैसे दिए और दरवाज़ा बंद कर दिया, तो थोड़ी सी बेइज्जती हो जाएगी। और इस बेइज्जती का रिस्क अपने कमज़ोर कंधों पर उठा के हम लोग हैदराबाद जा रहे हैं। हम मतलब आपको कौन नहीं पहचानेगा भाई, इंडिया में लोग पहचानते हैं बस। गाड़ी और एक और तरीका है विच इज अ लिटिल फास्टर एंड अ लिटिल कूलर, जैसा कि आप देख सकते हैं। यो पता ही था मुझे कूलेस्ट वे टू गो टू हैदराबाद, पता था बाइक ही होगा यार, शायद नहीं यकीनन बाइक ही है। ऑफ कोर्स आई एम गोना पिक तरीका नंबर 3। भाई के हेलमेट पे गोप्रो नहीं है, दिख तो नहीं रहा। अरे है यार, यहाँ पे हेड माउंट है। ये एक्सप्रेसवे है क्या भाई? हम लोग आ गए हैदराबाद, ये रेस्टोरेंट है, यहाँ से मुझे खाना उठाना है और जाके डिलीवर करना है। डिलीवर मैं करूँगा, ये लोग मुझे सिर्फ हेल्प करने हैं। दोस्त हो तो ऐसे। ये खाना है, ये मुझे डिलीवर करना है, ये बैग है। आमिर भाई बैग में मैं खाना डाल तो दूंगा, लेकिन मुझसे बाइक चलाई जाएगी नहीं। मुझे शर्ट पहननी है क्योंकि अगर मैं डिलीवरी कर रहा हूँ तो लगे कि प्रॉपर फूड पांडा से कोई आया। आप ये लेके आएँ, मैं शर्ट चेंज करता हूँ। हमें जाना है डिफेंस फेस 2। ट्रांजिशन ना बहुत सही होते हैं यार भाई, बहुत सही। ये हैदराबाद है, और जान पहचान का था तो पहचाना नहीं क्या? आपका नाम क्या है? इर्तिजा भाई ने मुझे तो नहीं पहचाना, मैंने उनको बोला है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेकिन उनको बाइक बड़ी अच्छी लगी है तो ये पिक्चर्स ले रहे हैं। कुछ इवेंटफुल हो गया है क्या कहते हैं इसको, कॉन्सोलेशन चल जाएगी थोड़ी बहुत। आपका नाम हसन है ना? हसन हसन है, ये म्यूजिशियन हैदराबाद में रहते हैं, इन्होंने मुझे पहचान लिया। तो किसी ने तो पहचान लिया, क्या कह रहे हो लड़के? तो ये था हैदराबाद, अब मुझे जाना है पेशावर। और कराची से पेशावर जाने के 5 तरीके हैं भैया। गाड़ी, बस, फ्लाइट, ट्रेन, जहाज और एक और तरीका विच इज़ अ लिटिल कूलर। लेकिन मैं जाऊंगा फिर भी जहाज में, क्योंकि 20 घंटे आमिर भाई को पीछे बिठा के कौन बाइक चलाएगा? टूटेगा तो नहीं? अरे बैठे हैं यार। इस वजह से मैं आमिर भाई को बाइक पे नहीं लेके जा रहा। क्या कह रहे हो लड़के? बताया ऐसे जैसे जाएंगे बाइक से, बट सब चेंज हो गया लास्ट में। हमारा होटल बिल्कुल एयरपोर्ट से 5 मिनट की दूरी पे। स्टोरी टेलिंग का स्किल जबरदस्त है भाई का। हम पहले रेस्टोरेंट जाएंगे, खाना उठाएंगे और फिर हम जाएंगे। एड्रेस पता नहीं है, मैप में देखूंगा। हाँ देखो भाई, होटल से रेस्टोरेंट जाने के 3 तरीके। तरीका नंबर 1, ये फालतू में लंबी कर रहे हैं, हम टैक्सी में जा रहे हैं। ह्यूमर डाला है भाई ने। वैसे इरफान भाई के ब्लॉग्स में ज़्यादातर ज़्यादा ह्यूमर नहीं होते हैं,
बट इसमें यार ह्यूमर डाला हुआ है जो अच्छी बात है। हेलो जी, हम लोग इधर रेस्टोरेंट में आ गए हैं और खाना अभी भी बन रहा है। हम मुझे लगता है थोड़ी जल्दी आ गए तो क्योंकि खाना बन रहा है यहाँ पे हम स्लो मो कर सकते हैं। खाना पैक हो गया है और अभी मुझे डिलीवरी करने जाना है पेशावर में यूनिवर्सिटी टाउन। पता नहीं है मुझे, मैप में देखूंगा और फिर जाऊंगा। मैं आ गया हूँ यूनिवर्सिटी टाउन, ये सामने घर है और मुझे अभी ये डिलीवर करने जाना है बैग वगैरह। मैं बेल बजाऊंगा, आप खड़े होंगे दूर, लॉन्ग लेंथ जूम लेंस लगा की बार पहचान ले बस भाई जिसको आप डिलीवर करने जा रहे हो शर्ट में। अच्छा तो लास्ट बैग बाकी है, पहचान लेना भाई, पहचान लेना, पहचान लेना, पहचान लेना। I have seen you somewhere. YouTube or something? Yeah. Okay. So, can I show? I'll say, मेरा नाम इरफान है, मैं अभी पेशावर में हूँ। I'll flip the camera over, आप बोलेंगे scenes कुछ ऐसा। We'll say scenes कुछ ऐसे हैं। We'll say it together, right? ठीक है? तो मैं पेशावर में हूँ, मेरा नाम इरफान है और यहाँ पे फूड पैंडा के साथ scenes कुछ ऐसे हैं। क्या कह रहे हो लड़के, मतलब कराची cool से पेशावर तक आप cool. देख रहे हैं सीन्स टीवी। व्हाट इज इरफान जुने जो यार oh. देखो भैया, इरफान जुने जो उनका कोई कंपैरिजन नहीं है पाकिस्तान में ब्लॉगिंग में। अगर आप देखें तो ये वो मोनोपोली होता है ना, मोनोपोली, वो पाकिस्तान में जितने भी ब्लॉगर्स हैं उनमें उन्होंने मोनोपोली क्रिएट किया हुआ है। मतलब सब एक तरफ, इरफान भाई एक तरफ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मुरू और यू खानो कम है, अब तो हमज़ा इब्राहिम इनके जो दोस्त हैं वो भी आ गए, बट यार इरफान जुनेजो का एक अलग लेवल है और इनका जो स्टोरी टेलिंग का जो तरीका है, जो स्किल है भाई, आउटस्टैंडिंग। लेकिन एक जगह है यार जहाँ पे मुझे इरफान जुनेजो नंबर टू पे लगते हैं और वो है ट्रांजिशन। और नंबर वन पे पूछोगे कौन हो तो यार वहाँ पे ये लड़का यार, द शहजाद शो। मतलब ट्रांजिशन में यार, मतलब इसका कोई तोड़ ही नहीं है, मतलब समझो ना, इसका ट्रांजिशन में मोनोपोली है। बात करें इस वीडियो की तो यार इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है फूड पांडा ने, वो अलग बात है। बट यार कोई बंदा जा रहा है डिलीवरी के लिए, डिलीवरी देने के लिए खाना उठाया और जाके डिलीवर किया, इसमें क्या स्टोरी बन सकती है? मतलब होटल से उठाओ, रेस्टोरेंट से उठाओ, जाके डिलीवर करते हो, स्टोरी क्या है, किधर है स्टोरी? बट यार सैल्यूट है भाई को जो इतनी प्यारी सी स्टोरी निकाल के लाए और फूड डिलीवर कर रहा है कोई और उसको देखने के लिए उत्सुकता हो रही है, उसको देखने में इंटरेस्ट आ रहा है। तो यार ये तो मतलब अब क्या तारीफ करें, अब इरफान जुनेजो ही नाम है यार। यार इरफान जुनेजो के ब्लॉग्स में लगभग हर कुछ होता है, आपको बाइक्स देखने को मिल जाएंगे, सीन्स देखने को मिल जाएंगे, स्टोरी टेलिंग देखने को मिल जाएगी, ट्रांजिशन भी देखने को मिल जाएंगे। लेकिन एक चीज़ मुझे मिसिंग लगती थी, वो है ह्यूमर, और भाई ने इस वीडियो में वो भी डाला हुआ है। तो यार सोने पे सुहागा बोल सकता हूँ। यार सबसे अच्छा पार्ट मुझे ये लगा इस ब्लॉग का कि यार तीन रास्ते हैं हैदराबाद जाने के, 1 2 3 मैं थर्ड लूँगा, 5 रास्ते हैं पेशावर जाने के, 1 2 3 4 5 जाना तो 3 से है लेकिन जाऊँगा 5 से, मतलब फ्लाइट से। वो जो यार मतलब वो ह्यूमर था ना यार, बस अलग लेवल का था, बहुत इंजॉय किया मैंने। होटल से रेस्टोरेंट जाने के 3 तरीके, तरीका नंबर 1 ये फालतू में लंबी कर रहे हैं, हम टैक्सी में जा रहे हैं। और बात करें एडिटिंग की तो यार ये वाली एडिटिंग मेरी फेवरेट थी। तो आप बताओ यार आपका कौन सा पार्ट सबसे फेवरेट था, ह्यूमर आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, और आप क्या सोचते हो इरफान जुनेजो के बारे में, क्या इनका मोनोपोली है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो बस यार आज के लिए इतना ही, रिएक्शन आपको कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लाइक करना भूले, एम करते कम से कम 1000 लाइक्स की। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो ये इंस्टाग्राम की आईडी फॉलो भी जरूर कर लें, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो फिर खुश रहें, आबाद रहें, दिल्ली रहें या इस्लामाबाद रहें, अमन की आशा।